एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर टोटली फाइन। तो गाइस, हमारे यहाँ अभी 4-5 दिन पहले बरसात हो रही थी और जिसके कारण हमारे यहाँ बरसाती नाले जो हैं उफान में हैं, और उफान में है तो काफ़ी जगह पे काफ़ी ज़्यादा झरने बन चुके हैं अभी हमारे यहाँ। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे यहाँ की एक नदी है, इसमें वैसे तो पानी बहुत कम रहता है लेकिन बरसात में पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहीं आपको लेके चल रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको हमारे यहाँ कैसे कैसे झरने यहाँ पे बनते हैं नदियों में। गाइस, इतना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, ऊपर जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे चप्पल पहनने का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। ओए, ऊपर टूटे हैं। मेरे को हो रही है जाने में दिक्कत। फोन है मेरे हाथ में और मैं अब कहाँ से चढ़ूँ, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, यहाँ चप्पल पहनने का भी डर है, खतरनाक। तो गाइस, यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं दूसरी साइड से ऊपर जा रहा हूँ और इसमें पता नहीं कैसे मेरी उंगली लग गई है, तो मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग मैनेज कर दीजिएगा। उंगली मेरे को अंदाज़ा ही नहीं आया कि कैसे उंगली लगी इसमें, क्योंकि कैमरे के आगे उंगली लग गई है। तो दूसरी साइड से ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी झरने के पास फंसने वाले हैं हम लोग। गाइस, पहला झरना जो है ये है, यहाँ पे नहाने में बहुत डर लग रही है। हम लोग ऊपर वाले झरने में नहाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि कितना गहरा है इसके नीचे, क्या पता बहुत ज़्यादा गहरा हो। ऊपर वाले झरने में चलते हैं, पहला झरना ये है, आप लोग ऊपर चलें मेरे साथ और एंजॉय करें। आप लोग वल्ली ले आना वल्ली। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं झरने में, तो देख लीजिए काफ़ी ऊपर से पानी गिर रहा है और यहाँ पे देख लो भाई लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे अंदाज़ा आ गया था थोड़ा बहुत कि यहाँ पे कितना गहरा होगा, क्या होगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा गहरा नहीं है। हम लोग झरने के पानी से ही नहाएंगे, यहाँ पे कुछ तालाब तो है नहीं नहाने के लिए। गाइस, ये भाई जो है यहाँ से बहने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ से बहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि नीचे हड्डियाँ टूटने का भी डर है। तो गाइस, हमने फ़ोन रख दिया है साइड में और हम सभी लोग नहा रहे हैं अब। तो मैं आपको वैसे हाथ में फ़ोन रख के वीडियो बना नहीं सकता, तो फ़ोन रख गया है साइड में, आप लोग देखिए एंजॉय करिए। Thank you.
ऊपर से जो पानी गिर रहा था उसके नीचे जाने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 200 किलो का भार हमारे कंधे पे रख दिया है, क्योंकि पानी ऐसे आ रहा था तड़ हमारे कंधों में लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि सारा कंधा टूट जाएगा आपको। गाइस फोन के कैमरे में घुस गया था पानी, जो कि हम वहाँ पे नहा रहे थे तो वहाँ से जो छींटे आ रहे थे वो फोन के कैमरे में लग रहे थे, जिससे फोन का कैमरा हो गया था ब्लर। तो हमने दोबारा से फोन रिकॉर्डिंग पे रख दिया है और अभी वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो आप लोग इंजॉय करिए आगे को भी। बरसात का सीजन और पहाड़ों का मौसम जो है वो देखते ही बनता है। तो पहाड़ों में अगर आप हैं तो आपके यहाँ भी नदी नाले काफ़ी ज़्यादा होंगे और नदी नालों में आजकल तो काफ़ी ज़्यादा पानी होगा। अगर आपके वहाँ ऐसे झरने नहीं हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं इंजॉय करने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा नहा लिया है। लगभग एक डेढ़ घंटा हमको यहाँ पे हो गया है इस नदी में आए हुए हैं। अभी भाई लोग नहा रहे हैं लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी होने लगी है अब। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपके वहाँ ऐसे झरने हैं या नहीं है आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।